और बिल्कुल शोरूम कंडीशन करनी है इसकी। सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रुपेंद्र बिल्ड वर्कशॉप। आज फिर हाजिर है नए इंटरेस्टिंग एंड वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में लेके आए हैं अपना इलेक्ट्रा, क्योंकि कई भाई कहना था कि आप इलेक्ट्रा के ऊपर वीडियो बनाते हो, सिर्फ स्टैंडर्ड को ही ज़्यादा वीडियो बनाते हो। तो लेके आए इलेक्ट्रा और इसको करना है हमें रिस्टोर, प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करना है और इसे कन्वर्ट करना है हमें इसके साथ साथ स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे, मालिक की स्पेशल फरमाइश है कि भाई मुझे प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करवानी है। जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड होती है ना, फ्रंट मरगार्ड चौड़े वाले, पीछे रियर मरगार्ड भी चौड़े होते हैं उसके, और उसके आगे सोकर लैग भी चेंज होती है। अगर आपको फ्रंट मरगार्ड स्टैंड का फिट करना है ना, तो उसके लिए हमें सोकर लैग भी दूसरी पानी पड़ेगी। तो इस टाइप से हमें करना है अपना काम। और खैर सीट वगैरह तो नहीं डलेगी स्टैंडर्ड की, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे। और खैर हमें इसकी वीडियो के दो तीन पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक वीडियो में नहीं आ पाएगा सब कुछ। तो अब लेते हैं कस्टमर रिव्यू और भाई से पूछते किस टाइप से काम करना है, उनसे पूछते। क्या नाम अपना? पंकज नाम। तो पंकज भाई आप बताओ हमारे सब्सक्राइबर को किस टाइप से काम कर रहा है अपने बोल्ट का। भाई इसको ना बिल्कुल तो न्यू करना, बिल्कुल रिस्टोर करना है। हाँ जी हाँ जी। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रा को। हाँ जी। और बिल्कुल शोरूम कंडीशन करनी है इसकी। और सीट वगैरह खैर कौन सी पानी है अपनी? सीट स्टैंडर्ड वाली पानी है, ओरिजिनल सीट। ओके। और कहते हैं अब अपना ये तो ब्लैक हो ही जाएगा, कोई ब्लैक हो जाएगा साथ अपना टंकी टोल बॉक्स वगैरह पेंट होंगे, इसके लिए अपना मरगार्ड वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। मरगार्ड चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं कि भाई इसको ब्लैक कर देगा नहीं चलेगा। ना ना भाई। तो जिनका स्पेशल कहना था कि भाई मुझे प्रॉपर तरीके से चाहिए, अगर मरगार्ड करते हो मरगार्ड करो, ब्लैक करने तो ब्लैक ही चेंज करो, ये नहीं इसको ब्लैक कर दोगे। तो जैसा कस्टमर का बजट होता है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और नट बोल्ट वगैरह तो जिंक हो जाएंगे, बाकी बफिंग पार्ट हो जाएगा। हां बाकी बफिंग हो जाएगा भाई। और गाड़ी खैर भाई लोड करवा के लाया, स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करके फिर अपना इंजन वर्क वगैरह चेक करेंगे इसे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा खैर गियर बॉक्स वगैरह तो काम होना ही है, भाई ने बताया हमें, पर फिर भी हम स्टार्ट करके गाड़ी को फिर खोलेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। और टायर वगैरह कौन से पानी है इसके अंदर? टायर भी स्टैंडर्ड वाले पानी है भाई, टायर स्टैंडर्ड के। और फ्रंट वाला तो खैर साफ ही है ना, फ्रंट वाला। अलॉय व्हील वगैरह चेंज करनी है? अलॉय तो यही चल रहे हैं भाई। ओके, तो मतलब कुल मिला के अपना टैंक टूल बॉक्स पेंट, मरगार्ड वगैरह चेंज, बफिंग पार्ट और साइलेंसर बैंड वगैरह देखते हैं। वायरिंग में नहीं डलेगी ना? वायरिंग नहीं डलेगी। ओके, तो इस वीडियो में खैर गाड़ी को करते हैं डिसेंबल और फिर दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में किस तरह अपना पेंट जॉब होगा। और लास्ट पार्ट में दिखाएंगे आपको गाड़ी का रिव्यू और कस्टमर भाई से अपना लेते हैं फिर रिव्यू, इनको कैसे चला के देखिए मजा आया नहीं आया। ओके, तो हाँ जी फाइनली हमने अपनी गाड़ी के सारे पार्ट्स कर दिए ओपन। जैसे कि आप चेक कर सकते हो गाड़ी की लुकअप कैसी हो चुकी है, बिल्कुल साइकिल के जैसी दिख रही है, अपना लग भी रहा है कि बुलट की है। तो खैर तो इसके साथ साथ देखो अपना ये पेंट टूल बॉक्स खैर वगैरह पेंट ही होंगे अपने, और पेंट भी हम अपना खुद ही करेंगे तो जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी। एक तो ये होगी भाई खोल के पार्ट्स पेंट वाले को दिया है तो टेंशन फ्री जाते हैं, पर हमें सारा काम अपने खुद ही करते हैं तो प्रॉपर अच्छी तरह वो भी रहती है हमारे भाई की जिम्मेवारी की भाई को बढ़िया तरह करके देना। और अपना देखो टैंक वगैरह इसके अंदर एक तो चीज़ ठीक है भाई, इस तरह नए मॉडल में आ रहे हैं ना 16-17 मॉडल में अपने स्टिकर को छिपा के काम चल जाता है, पर हमें स्टिकर को छिपाना नहीं है इसके अंदर। और मॉडल जिस तरह के 2013 के आते थे मोनोग्राम स्क्रू वाले वो लगाने हैं, कस्टमर की स्पेशल फरमाइश है भाई है कि मुझे वो ओल्ड रुकी चाहिए स्टैंडर्ड की। ठीक है, इसके साथ अपना ब्लैक पार्ट तो खैर पेंट हो जाएगा और जो अपने मरगार्ड है वो साइड में शाइनिंग कर रहे हैं उनको हम चेंज ही करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था।
अपने जैसे ये स्टैंड खड़ी है ओरिजिनल, पीछे वाले इसके टायर सॉरी मरगाड़ चौड़े होते हैं, तो हम स्टैंड मरगाड़ों को नहीं डालेंगे और इसकी शॉकर लैग अपनी जैसे कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड के शॉकर लैग में और इसके शॉकर लैग में बहुत फर्क होता है, क्योंकि स्टैंड का आगे से बड़ा मरगाड़ होता है और उसके अंदर यहाँ वगैरह नट भी होते हैं ताकि अपना मरगाड़ के पत्ती लग सके, इसके अंदर सिर्फ अपना ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए हमें शॉकर लैग भी चेंज करनी पड़ेगी। यूसी मॉडल के डालेंगे शॉकर ताकि सस्पेंशन बढ़िया हो जाए। एसी वगैरह तो खैर लेन वगैरह चेक करके फिर इसको पेंट करके क्लीनर वगैरह मार के अच्छी तरह, और साइलेंसर पैंट तो चेंज ही होंगे, और इसके साथ साथ खैर हमारे छोटे मोटे पार्ट्स हो गए जैसे कि अपना वायरिंग वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी और हमारे इंडिकेटर वगैरह भी नहीं डालेंगे, सेंसर वगैरह चेक करेंगे, बैटरी इसकी अपनी ठीक है तो बैटरी ये चल जाएगी, बाकी रहे हॉर्न वगैरह और साइलेंसर पैंट तो खैर अपना चेंज ही होगा। इसके साथ साथ हमने पिछले मरगाड़ के साथ अपनी साइड कमानी भी है, जो क्योंकि हम जब स्टैंडर्ड का मरगाड़ पाते हैं तो उसकी तान अलग होती है और इलेक्ट्रा की तान अपनी साइड अलग होती है, तो इसलिए हम तान भी वगैरह चेंज ही करेंगे, कोई जुगाड़ वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि लाइन वाटर का फर्क होता है ना, ये नया हो जाएगा। और अपना चेंसर वगैरह चेक करेंगे, रियर शॉकर भी देखेंगे, और जो अपने नट बोल्ट हैं इस नट बोल्ट के ऊपर हम अपना जिंक कर देंगे, इनको जिंक करवाएंगे स्पेशल, जैसे आपको दिखाता हूँ, सारी गाड़ी खुली पड़ी है देख लो, खुलने के बाद तो कितने पार्ट लग रहे हैं, जैसे अपना ये देखो जर वगैरह लग रहे हैं ना इसके, तो इसको हम नए खैर नए डालोगे तो कॉस्टली पड़ता है ज़्यादा, एस्टिमेट फिर बाहर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको जिंक कर देंगे, क्योंकि जैन नहीं होता, जैन बोल्ट अपना ना टूटता ना कुछ, देखो साथ का है तो कैसा चल रहा है, तो हम अलॉय व्हील को हम पेंट करेंगे इसके साथ अपने जो बैरिंग वगैरह है, ये तो खैर नॉर्मल बात है, बैरिंग वगैरह नहीं डलेंगे तो बड़ी स्टार होती है अपने स्टोर, और रही बात अपने छोटे छोटे लेदर वगैरह तो खैर नहीं डलेंगे, और अपना इंजन वर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि हेड गैस्केट वगैरह लीक है इसका, और सीट अपने दिखाई दी मैंने आपको खैर पहले, सीट तो नहीं डालनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को खैर इस यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं अब आपको कि गाड़ी जब पेंट जॉब होएगा, और फाइनल पार्ट में दिखाएंगे आपको जब हम गाड़ी को सैंपल करेंगे किस टाइप से सैंपल करेंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे, फिर भाई का रिव्यू भी लेंगे, कस्टमर को गाड़ी पसंद आएगी नहीं आएगी। ओके तो लेते हैं इजाज़त, फिर चलते हैं।